नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपमा मिश्रा। विशेष में आज की शुरुआत हम नागौर के डीडवाना से करेंगे, जहां एक पुरोहितों का बांस गांव सुविधाओं को तरस रहा है। तो वहीं डीडवाना की आम जनता जिला बनाने की मांग को लेकर हावी है। वहीं दूसरी ओर भरतपुर जिला भी सुविधाओं की अभाव में आंसू बहा रहा है। कहते हैं बंटवारे जमीनों को ही नहीं दिलों को भी बांट देते हैं। सरहदों के बीच खींचने वाली लकीर कब दिलों तक पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसा ही एक मामला है नागौर सीकर सीमा पर बसे डीडवाना के एक गांव पुरोहितों का बास का। ये गांव दोनों जिलों की सीमा पर होने की वजह से इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। दो पाटों के बीच फंसा ये गाँव सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी तरस रहा है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। नागौर और सीकर जिले की सीमा पर बसा एक गांव पुरोहितों का बास। वैसे तो ये गांव भी आम गांव की तरह ही नजर आता है, लेकिन इस गांव में एक बात जरूर खटकती है और वो है विकास का अभाव। गांव और ग्राम पंचायत के बीच संपर्क सड़क तक नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि ये गांव दो भागों में बटा हुआ है। आधा गांव सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील में आता है, वहीं आधा गांव नागौर के डीडवाना में, और यही इस गांव के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है। यही नहीं, नागौर जिले के हिस्से में आने वाले गांव के लिए एक और मुसीबत है। गांव प्रशासनिक दृष्टि से डीडवाना तहसील का हिस्सा है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र लाडनू है। ऐसे में ये गांव समुचित विकास से वंचित है। आधा गांव है सीकर में, तो इसमें हमें परेशानी होती है और उधर भी परेशानी है। इधर है हमारा गांव, जो कागज कार्रवाई का काम है वो लक्ष्मणगढ़ी में होता है, इधर होता है डीडवाना में। हमारी दूरी ज़्यादा पड़ती है, डीडवाना अगर जिला बनता है तो इसे हमें कुछ व्यवस्थाएं सुचारू रूप से मिल जाएगी। सरकारी एक तो विद्यालय उपलब्ध नहीं है इस सीकर की ओर से, और ग्राम पंचायत मुख्यालय से सड़क भी नहीं है जुड़ी हुई। कागज़ कार्रवाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। सिकरवाणों को दौड़ के लक्ष्मणगढ़ जाना पड़ता है। ये नागौर में होने से डीडवाना पास में यहाँ पर सुविधा रहेगी। ग्राम वे पंचायत वहाँ सड़क का सुविधा नहीं है, और पानी का भी कोई विशेष सिकर जिले से कोई विशेष वो सुविधा नहीं है। एक और जहां गांव दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं ये गांव आज विकास से कोसों दूर है। गांव में पेयजल की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। एक और जहां मनरेगा से ढाणियां सड़कों से जुड़ चुकी हैं, वहीं ये गांव आज तक संपर्क सड़क से कभी भी नहीं जुड़ पाया है और विकास की बाढ़ जोड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है, हमें गांव का पोस्टल कोड तक नहीं पता है। गांव सीकर जिले में स्थित है और पता नागौर जिले का देना पड़ता है। ग्रामीणों को आस है कि अगर डीडवाना जिला बनता है तो उनकी ये परेशानी समाप्त हो सकती है। छोटा सा गांव होकर यह दो भाग में बंटा हुआ है, एक सीकर जिला और दूसरा नागौर डीडवाना नागौर जिला। इसीलिए हम लोगों को हर चीज में तकलीफ होती है। न तो इधर जा सकते काम होता, उधर लक्ष्मणगढ़ जाओ और जा करके उधर से काम करा के लाओ तो वहाँ होता नहीं जल्दी, और आने जाने का भी असुविधा, बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत दूर आना पड़ता है। वहाँ पर कोई जान नहीं है, पहचान नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोगों को हर चीज़ में तकलीफ है, जिनिस पत्र लाने में, पानी का बारे में, और आदमियों के कोई मीटिंग हुई तो कोई किसी सरपंच कोई आता नहीं यहाँ पर जल्दी, कोई पहुँचता नहीं। और ये नज़दीक हो गया ना, अगर डीडवाना जिला हो गया तो हम लोग को आने जाने का भी सुविधा हो जाएगा और सारी बातों का सुविधा हो सकता है। पानी का क्या, अन्न का क्या, आने जाने कोई जिनस लाने की और की, और ऐसे ही हमको डीडवाना जाना पड़ता है। सीकर जाना हमको मुश्किल होता है और डीडवाना जाकर के हमसे कुछ सब कुछ काम करके आते हैं। तो कुछ सरकार अगर हमारा डीडवाना में अगर जिला हो जाए तो हमारे को हर चीज़ की सुविधा हो जाती है।
सुविधा तो यह है हमारे कि हम रहते तो सीकर जिले के अंदर है, डाक सेवा हमारी होती है नागौर जिले से, पिन कोड नंबर हमको रहते तो हम सीकर जिले के अंदर है और देना पड़ता है हमको नागौर जिले के रीवा पंचायत समिति के, हमको कॉर्नर पर होकर के हमारे पिन कोड नंबर का भी मालूम नहीं है हमारे कितना लगता है। दूसरी बात यह है कि लक्ष्मणगढ़ जाने के लिए हमको पूरा दिन लगता है, तीन तो गाड़ी बदलनी करनी पड़ती है, रोडवेज की कोई सुविधा नहीं है और दयालपुरा से हम डीडवाना पहुंचने के लिए हमको मुश्किल से पूर्ण घंटा लगता है, रोडवेज की सुविधा है तो डाक सेवा से वंचित है और परिवहन सेवा से भी वंचित है, इसलिए हमको ये कई तकलीफें उठानी पड़ती है। जहां सीमाओं के बंटवारे ने गांव को दो भागों में बांट दिया है, वहीं ग्रामीण गांव के पश्चिम के मोहल्ले को मारवाड़ कहते हैं और दूसरी ओर के ग्रामीण पूर्व के भाग को शेखावटी कहते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि गांव दो भागों में बंटा होने के कारण गांव का विकास नहीं हो पाया है, गांव को परिसीमन करके एक राजस्व गांव घोषित कर देना चाहिए ताकि गांव का विकास हो सके। प्राइमरी एक है मुश्किलों मिडिल को नहीं हो सकी क्योंकि संख्या बच्चा की अलग अलग बढ़ गयो बा को नहीं हो सकी, एक तो मामला ज्यादातर बा है और आज संख्या एक साग है तो जरूर जाएगी, मैं थोड़ी सी किफायत तो मिडिल भी कल जल्दी बढ़ सके। विकास में तो कमी मत सड़क ही है तो बहुत तो लागे जिलो मतलब बिको बत्ती दूर काम कर काम करने वास्ते छोटी जगह आएगी तो बस समस्या आएगी। दो पाटों के बीच में फंसे होने के कारण गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। सरकार को चाहिए कि गांव को एक राजस्व गांव बनाकर एक जिले में शामिल कर देना चाहिए ताकि गांव का विकास हो पाए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर डीडवाना जिला बनता है तो हमें डीडवाना में शामिल कर देना चाहिए। रोहितों का बास दो पाटों के बीच में फंसा हुआ एक ऐसा गाँव है जिसका विधानसभा क्षेत्र अलग है और ग्राम पंचायत अलग, उनके प्रशासनिक कार्य लक्ष्मणगढ़ में होते हैं जबकि वो वोट डालते हैं डीडवाना में। इन दो पार्टों में फंसे होने की वजह से इस गांव के समुचित विकास की आवश्यकता है। गांव में जहां आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं सड़क पानी और बिजली की, वहीं ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। HBC न्यूज़ के लिए डीडवाना से कमल किशोर चांदोली के साथ हनुमान तंवर। खबरों फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वहीं दूसरी ओर नागौर जिले में डीडवाना को जिला बनाने की मांग पिछले तीन दशक से चली आ रही है, माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक आड़े आ रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। डीडवाना को जिला बनाने की मांग को लेकर सोमवार को माली समाज द्वारा एक विशाल वाहन रैली निकाली गई। रैली को नगर पालिका अध्यक्ष हीरालाल सोलंकी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई। उपखंड कार्यालय में आकर रैली का समापन किया गया। रैली में माली समाज के सैकड़ों युवाओं सहित पार्षदों ने भी भाग लिया। वहीं रैली के बाद समाज के लोगों ने जिला बनाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री का ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं समाज के लोगों का कहना है कि डीडवाना में अभी सभी जिला स्तर के कार्यालय उपलब्ध हैं, सिर्फ जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति बाकी रह गई है। सरकार को चाहिए कि डीडवाना को जिला घोषित कर दी जाए ताकि सरकार को भी अतिरिक्त राजस्व का नुकसान ना उठाना पड़े। आपको बता दें कि अभी डीडवाना में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला सैनिक कार्यालय, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, जिला आबकारी कार्यालय और जिला आबकारी कार्यालय सहित राजस्थान रोडवेज आगार कार्यालय वर्तमान में संचालित हैं। इसके बावजूद भी डीडवाना को जिला नहीं बनाया गया है। डीडवाना जिला बनाने के लिए जो कि आजू बाजू की सारी तहसीलें हैं उनको भी फायदा होगा और जो सारे विभाग यहाँ पर उपलब्ध है, सारे कार्यालय यहाँ मौजूद है तो
राजस्थान सरकार के भी ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं होगा इस डीडवाना को जिला बनाने में। इसके बजाय जो दूसरी तहसीलों को जिला बनाने में खर्चा होगा, सारे कार्यालय यहाँ मौजूद है, यहाँ पर सारी सुविधाएं जिला की लगभग यहाँ मौजूद हैं, इसलिए कोई भी कमी नहीं है भौगोलिक दृष्टि से। और यहाँ पर सिर्फ एक कलेक्टर और एसपी की सीट जो खाली है उनको एक भरनी है, ये मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत से निवेदन है। जिला बनाने के लिए हमने वाहन रैली का आयोजन किया है। डीडवाना हर दृष्टि से भौगोलिक, सामाजिक, सांप्रदायिक सौहार्द, पुरानी सदी से आज आदिकाल से ब्रिटिश काल से डीडवाना तहसील दर्जा तालुका है और डीडवाना में वो सभी सुविधाएं उपलब्ध जो एक जिले में होनी चाहिए। यहाँ काफ़ी समय से अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उप जिला अधीक्षक महोदय, सभी विभागों के जल विद्युत एवं PWD के अधीक्षक अभियंता, इसी के साथ पाँच दशक पुराना यहाँ PG राजकीय कॉलेज भी, इसके अलावा कन्या महाविद्यालय एवं सभी संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं जो जिला को सफल बनाने में एक अग्रणी योगदान है। एकमात्र डीडवाना को जिला बनाने से डीडवाना के बाजू के नज़दीक के तहसील जैसे मकराना, नावा, लाड़नू, 57 ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा मुख्यालय डीडवाना एक उपयुक्त स्थान है। संपन्न होने के बावजूद भी डीडवाना को जिला घोषित नहीं किया गया। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहां राजनीति आड़े आ रही है, इसी के चलते डीडवाना उपेक्षा का शिकार होता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि राजनीति हावी रहेगी या फिर डीडवाना की आम जनता राजनीति पर हावी रहेगी। HBC न्यूज के लिए डीडवाना से हनुमान तंवर की रिपोर्ट। फोन लाइन पर मौजूद है हमारे डीडवाना से संवाददाता हनुमान जी। हनुमान जी, ये बताइए कि डीडवाना को जिला बनाने के लिए 3 दशक से बात चल रही है लेकिन राजनीतिक आड़े आ रही है, इस पर क्या कहना है, संक्षेप में बताइए। जी अनुपम, जैसे आपने बताया 3 दशक से डीडवाना को जिला बनाने की मांग है। बिफोर फ्रीडम डीडवाना डिस्ट्रिक्ट था लेकिन राजनीतिक कारणों से इसे डिस्ट्रिक्ट हटा दिया गया। अभी हालात यह है कि यहाँ पे डीडवाना जिला स्तरीय सभी कार्यालय मौजूद है जी। बावजूद इसके यहाँ पे जिले के अलावा केवल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अलावा सभी कार्यालय हैं जी। लेकिन डीडवाना को जिला बनाने की मांग जो की जा रही है उससे कोई गौर नहीं किया जा रहा है जी। अभी जब राज्य सरकार ने समिति गठित की है जिला बनाने के लिए, तब जनता फिर से जागी है और आंदोलन है। अलग अलग जगहों पर आंदोलन हो रहे हैं, अलग अलग जगह पे मांगे की जा रही है जी। जी 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 हनुमान, ये आई है खबर कि डीडवाना में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं लोगों का कहना है, तो फिर सरकार क्यों आड़े आ रही है जी? अभी क्योंकि समिति बनी है और समिति की रिपोर्ट सितंबर में जानी है, उससे पहले केवल मांग ही रखी जा सकती है, उसके अलावा तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। और सरकार जहाँ तक यहाँ की सुविधाओं की बात है तो उसमें शायद प्रायोरिटी भी मिल जाए डीडवाना को, लेकिन अभी फिलहाल इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता जी। जी शुक्रिया हनुमान। तो ये थे डीडवाना से हमारे संवाददाता हनुमान। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान के पूर्वी